हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश मेडाल में बात करने वाला हूँ 2022 रेंज रोवर के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड, जो न्यू रेंज रोवर है फ्रेंड, इसके अंदर हमें किस तरह की स्टाइलिंग, फ्यूचर्स, अपडेट्स, स्पेसिफिकेशन, इंजन ऑप्शन एंड और भी हमें किस तरह की जो डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ उसके प्राइसिंग के बारे में। तो फ्रेंड जो रेंज रोवर है फ्रेंड, ये हमें 2.32 करोड़ रुपीज़ एक्सोरूम प्राइसिंग के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें SE HSE ऑटोबायोग्राफी एंड फर्स्ट एडिशन, इस तरह से हमें टोटल चार वेरियंट्स जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड इसके अंदर हमें रेंज रोवर का हमें न्यू MLA फ्लैक्स प्लेटफॉर्म भी जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर ही हमें जो फिफ्थ जनरेशन रेंज रोवर है हमें बेस देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं इसके स्टाइलिंग या फिर अपडेट्स के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स ही जो है हमें देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें शार्पर लुकिंग LED हेडलैम्प्स एंड न्यू LED टेल लाइट सेटअप जो है हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हमें न्यू डिज़ाइन के साथ। एंड इसके अंदर हमें न्यू स्प्लिट टेल गेट एंड फ्लोटिंग रूफ भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके इंटीरियर चेंजेस के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड जो रेंज रोवर है फ्रेंड, हमें 5 सीटर एंड 7 सीटर दोनों कन्फिगेशन के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हमें लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर हमें 13.1 इंच का हमें कर्व टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हमें लेटेस्ट PV प्रो सिस्टम के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर में एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी हमें 11.4 इंच लेटेस्ट PV प्रो सिस्टम भी जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एंड इसके अंदर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसके पावर ट्रेन के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर में टोटल 3 इंजन ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलेंगे। 3.0 लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 394 BHP का पावर एंड 550 Nm का जो टॉर्क है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड जो 3.0 लीटर डीजल इंजन है फ्रेंड, इसके अंदर में 346 BHP का पावर एंड 700 Nm का जो टॉर्क है हमें देखने को मिलेगा। एंड जो 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन ऑप्शन है फ्रेंड, इसके अंदर हमें 523 BHP का पावर एंड 750 Nm का जो टॉर्क है वो हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो फ्रेंड इसके अंदर में ऑल व्हील ड्राइव के साथ में लैंड रोवर की टेरेन रिस्पॉन्स 2 सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन, डायनेमिक रिस्पॉन्स प्रो एंड न्यू टेल गेट इवेंट सीट भी जो है हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस कार के अंदर में चेंजेस या फिर जो अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अपने नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो, तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमेटिव वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।